नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय मैं काकीनाड़ा में हूं, अपने होटल से निकलने वाला हूं, बाहर ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूं भीमास टिफिन सेंटर पे। यहां से चलने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं, आज संक्रांति है, यहां पर पोंगल बहुत बड़ा फेस्टिवल है। इस प्रकार से मिट्टी के घड़े पे राइस बॉयल किए जाते हैं और हार्वेस्ट जो है वो गॉड को ऑफर की जाती है राइस बॉयल करने के साथ साथ में एंसेस्टर्स की पूजा भी की जाती है। यहाँ पर हमें जो डबल ऑक्यूपेंसी में रूम टैरिफ पड़ा दैट इज़ 2579, अच्छी एकोमोडेशन है, हार्ट ऑफ द सिटी में ये होटल लोकेटेड है, गुड हॉस्पिटैलिटी, ब्रेकफास्ट इस रूम टैरिफ में इंक्लूड है। लेकिन हम ना रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे, मेरा मन था थोड़ा बाहर चलकर नाश्ता करते हैं। और चलिए अब हम यहाँ से चल रहे हैं और हमारा प्लान रहेगा कि नाश्ता करने के बाद हम कोरिंगा पहुँच कर मैंग्रोव सफारी करेंगे, मतलब वहाँ पर बोटिंग करेंगे। नाश्ता करने के लिए हम अभी भीमास टिफिन के पास पहुंच चुके हैं, ये है रेस्टोरेंट सामने, आइए। इसके बाद ना मैं सामने कोटिया काजा पे भी जाऊंगा काजा खाने के लिए। अभी मैक्सिमम दुकानें बंद है, ये आप सराउंडिंग में देख लो, कुछ ही सिर्फ इटरीज हैं या स्वीट शॉप हैं जो खुली हैं। ब्रेकफास्ट में मैंने अपने लिए पेसरत्तू लिया है, साथ में सांभर और दो किस्म की चटनी दिया, अदरक का चटनी और कोकोनट का चटनी। पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा है यहाँ पर कोकोनट चटनी का कम चलन है और पीनट बेस्ड चटनी ज़्यादा चलती है। अब देखो डिफरेंट क्या है, एक तो ये ऑब्वियस बात है कि पेसरत्तू मतलब मूंग दाल से ये तैयार किया है, लोग इसमें कारम पाउडर भी ऊपर ऐड करते हैं लेकिन ये बिना कारम पाउडर के, और ये चीज़ डिफरेंट है। देखो अंदर उन्होंने उपमा डाल दिया, मुझसे पूछा था कि अंदर आपको उपमा चाहिए तो मैंने बोला बिल्कुल, तो ऐसा कर देते हैं। मैं सोच रहा था उपमा अलग से आएगा लेकिन इन्होंने अंदर मसाले की तरह उपमा दे दिया। सही है, ग्रेट। तो जब आप इस रीजन में ट्रैवल कर रहे होंगे ना तो पेसरत्तू तो आपको खाना ही चाहिए क्योंकि यहां पर बहुत फेमस है पेसरत्तू। गजब, जान डाल दी टेस्ट में, क्या स्वाद है, मस्त है, बहुत बढ़िया। बाकी कोकोनट की चटनी एकदम फ्रेश है, मूंग दाल के बैटर में जो चीज़ मेरे को सबसे अच्छी लग रही है ना, मतलब टेस्ट का जिसमें मेरे को मज़ा आ रहा है, वो है बहुत ज़्यादा जीरा है। ये देखो ना आप, पूरा जीरा भरा हुआ है इसके अंदर, हल्का सा नमक और कुछ नहीं है। अति उत्तम। ये उपमा देख लो आप अच्छे से, प्याज और उपमा। वैसे पहली बार मैं कोई ऐसा डोसा खा रहा हूँ जिसके अंदर उपमा बीच में डाल के दिया, आज से पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी स्टाइल हो सकता है। सांभर जो मैं यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ ना, इसमें गुड़ तेज है, तो पहला स्पून सांभर लेते ही मेरे को पता लग गया कि मीठा है, और जो दोपहर में मील्स का सांभर होता है ना उसमें गुड़ नहीं रहता। ये रेस्टोरेंट वैसे टिफिन के साथ साथ ना मील्स के लिए भी फेमस है, 11-12 बजे के बाद यहाँ पर मील मिलना स्टार्ट हो जाता है। मेरे को ये आलम चटनी क्यों इतनी ज़्यादा स्वाद लग रही है, क्योंकि इसमें अदरक का तीखापन, गुड़ की मिठास और थोड़ी थोड़ी इमली की खट्टास, तीनों तरह के फ्लेवर आ रहे हैं। आप उपमा ऐसा खा लो या मिक्स करके खा लो। तो यहाँ पर नाश्ते का एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा, अच्छा अच्छा फूड जॉइंट है। स्वीट शॉप में आके हमने अपने लिए काजा ले लिया है। इस काजा का जो कलर ऐसा है, इसमें गुड़ है, जैगरी जैगरी है, शुगर, ओनली शुगर। शुगर तो कलर ऐसा क्यों है? कलर मैदे को रोस्ट किया। अच्छा, और इनकी शॉप भी काफी पुरानी है, अभी मैंने पढ़ा यहाँ पर। चलिए दोनों काजा टेस्ट करेंगे, ये काकीनाड़ा का फेमस काजा है और ये टपेश्वरम का। क्या स्वाद है, उफ,
नेक्स्ट लेवल टेस्ट है। कमाल हो गया। एक ही बाइट में मैं काकीनाड़ा काजा का फैन हो गया, इतना टेस्टी है। काबिले तारीफ टेस्ट है। यहां से 200-500 किलोमीटर दूर भी किसी से पूछो कि हमको अच्छा काजा खाना है, जिनको जानकारी बोलेंगे काकीनाड़ा, इससे पता लगता है ये काजा कितना फेमस है। देखो ऐसा है, जब तक मैंने ब्राउन वाला काजा नहीं खाया था, काकीनाड़ा काजा, तब तक मेरे को लग रहा था ये भी स्वाद होगा, लेकिन उसके सामने ये कमजोर है। एक बार वो खा लिया ना तो फिर इसका उतना मजा नहीं आएगा। एटलीस्ट मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। हालांकि ये तो खाने वाले खाते हैं जिनको जिनको ये वाला काजा पसंद है, बट काकीनाड़ा काजा का बहुत जबरदस्त। अब यहाँ से हम कोरिंगा जा रहे हैं, 1 घंटा हमको पहुँचने में लगेगा। वहाँ जाकर हम मैंग्रोव फॉरेस्ट देखेंगे और साथ साथ बोटिंग करेंगे। हम पता लगाने की कोशिश कर रहे थे मैंग्रोव बोटिंग के लिए हमें कहाँ जाना है, तो फाइनली किसी ने हमें ना यहाँ भेज दिया। अब इस मोमेंट में मैं श्योर भी नहीं हो पा रहा कि हम सही जगह आए हैं कि नहीं आए, लेकिन इतना ज़रूर पता लग रहा है कि ये बस खड़ी है, गाड़ियाँ आ रही हैं, इसका मतलब ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है। सामने से टिकट निकाल ली है अंदर जाने के लिए। इस समय हम ईस्ट गोदावरी रीजन में ट्रैवल कर रहे हैं। ये पूरा जो लैंड एरिया है ना गोदावरी के उस पार और इस पार का, ये बहुत फर्टाइल है। स्पेशली राइस की कल्टीवेशन यहाँ पर बहुत होती है, तो इसको बोलते हैं राइस बॉल ऑफ आंध्र प्रदेश। ये देखो जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ ना, ये सब धान के खेत हैं। जब मैं आ रहा था लास्ट के 4 किलोमीटर, ये सीधी रोड थी ना ये वाइल्ड लाइफ के आने के रास्ते पे, तो लेफ्ट राइट दोनों तरफ बड़े बड़े फार्म थे और खेत पे इस प्रकार से पानी छोड़ा हुआ था। चलो अब हमें ना वॉक करके वहाँ तक जाना है। इंडिया में मैंने इतना ज़्यादा ट्रैवल किया है, लेकिन इस प्रकार की मैंने बोर्ड वॉक एक बार भी नहीं करी। बड़ा मस्त एक्सपीरियंस है। देखो ऐसे फट्टे लगे हुए हैं और इस पे हम धीरे 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 चल रहे हैं, लेफ्ट राइट दोनों तरफ मैंग्रोव। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ आपको मैं, यहाँ पर चलते हुए आप नेचर तो इन्जॉय कर रहे हो, साथ में क्योंकि फॉरेस्ट है तो ऐसा लग रहा है हम ऑक्सीजन भी ज़्यादा ले रहे हैं, जो रियल बात भी है। ये पूरा फॉरेस्ट एरिया 235 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अब एक रफ़ एस्टिमेट लगाने की अगर कोई कोशिश करे कि यहाँ पर मैंग्रोव के कितने पेड़ होंगे, तो बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है 1-2 लाख भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। देखो ना डेंसिटी कितनी हाई है। ये काम इन्होंने बढ़िया किया है कि अगर आप यह सामने से मैंग्रोव को एकदम नज़दीक से देखना चाहते हो तो आराम से बैठ जाओ, चिल करो। 9 बजे से शाम को 5 बजे तक के टाइमिंग्स हैं। पानी की बोतल अगर आप साथ लेके आना चाहते हो, प्लास्टिक की बोतल, तो उसके ये लोग 100 रुपये ले लेते हैं। रिटर्न में मतलब बोतल दिखाओ तो 100 रुपीज़ अपने रिफ़ंड ले लो। ये चीज़ मेरे को बड़ी पसंद आई है। यही रीज़न है ना यहाँ पर कहीं प्लास्टिक नहीं दिख रहा। अगर ऐसा नहीं कर रहे होते तो आप जानते ही हो कि टूरिज़्म प्लेसेस में क्या होता है। इस प्रकार की चीज़ ना हर टूरिस्ट पॉइंट पर कर देनी चाहिए। देखो अब बोट जहाँ से स्टार्ट होती है ना बोट राइड, वहाँ पहुँच गए हैं। ये है यहाँ का नज़ारा, सामने लेके जा रहे हैं ना स्पीड बोट पे। हिंदी आता थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा हिंदी, नो हिंदी।
जब हम बोटिंग के लिए यहाँ पर पहुँचे तो दो ऑप्शंस थी, नॉर्मल बोट कि हम 100 रुपये की टिकट निकालें और 20 मिनट का बोट में जर्नी करें जो बोट जाएगी सी माउथ तक। सेकंड ऑप्शन ये थी कि हम स्पीड बोट पे 200 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट निकालें जिसमें 4 लोग जा सकते हैं। हमने स्पीड बोट की टिकट निकाल ली, खूब मज़ा आया। अब देखो मैंग्रोव को तो नज़दीक से हम पिछले 1-1.5 घंटे से देख ही रहे हैं, हमारा मेन जो इंटरेस्ट था ना वो सी माउथ तक जाना था कि कैसा लग रहा है जब गोदावरी जाके समुद्र को मिल रही है। इतना मज़ा आया, तेज़ स्पीड पे स्पीड बोट चल रही थी, जैसे सी माउथ पहुँचे ना तो जो बोटमैन था उसने शाह शाह करके 1-2 टर्न लिए ना, तो मज़ा आ गया, मतलब समझ लो दिन बन गया सुबह सुबह। यहाँ पर हमने देखा जो गोदावरी का बेसिकली कैनाल है, मैं ऐसा नहीं बोल सकते गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है जो आकर समुद्र को मिल रही है, कैनाल है जो आके मिल रही है। अगर हमको मेन गोदावरी की एक बड़ी ट्रिब्यूटरी देखनी है तो हमको अंतर्वेदी जाना होगा, जो हम डिंडी जब जाएंगे ना वहाँ से अंतर्वेदी जाएंगे। कुल मिला के ये जो पूरा जर्नी है ना मैंग्रोव फॉरेस्ट का, बड़ा मज़ेदार है, खूब मज़ा आ रहा है। मज़ा आ गया। तो कुल मिला के जर्नी बड़ी मज़ेदार है। रीजन में जब आप सफ़र कर रहे हैं तो ये जगह आपको मिस नहीं करनी चाहिए, अच्छे से टाइम निकाल के आओ। ये है कि यहाँ पर मौसम गर्म रहता है, तो अभी आज का डेट हो रही है 15 जनवरी, तो हम बहुत कंफर्टेबल दोपहर में भी घूम रहे हैं, लेकिन यही अगर अप्रैल होगा तो मौसम गर्म होगा। 200-250 मीटर आगे चलकर ना हमें कैफेटेरिया के पास आए हैं। यहाँ पर स्टार्टर्स बिरयानी, फ्राइड राइस, चपाती, परोठा मिल रहा है। प्रॉपर मील यहाँ अवेलेबल नहीं है, लेकिन वेज और नॉनवेज दोनों ऑप्शंस हैं। हम यहाँ पर लंच नहीं करेंगे, हम जाएंगे सुबैया मेस काकीनाडा, अब हमारा प्लान वही है। और एक चीज़ अच्छी क्या है कि यहाँ पर किसी भी तरह की गंदगी नहीं है। वॉश्ड ओवर बर्ड्स आई व्यू ऑफ कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कैफेटेरिया के बगल में ही है। उफ, बड़ा मस्त लग रहा है। अभी तक हम मैंग्रोव को नीचे से देख रहे थे, अब ऊपर से देख रहे हैं। और ऊपर भी जा सकते हैं, सीढ़ियां और भी हैं। वाओ, पहुंच गए हम वॉच टॉवर के एकदम ऊपर। देख लो फॉरेस्ट एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पर खड़े होके। तो ये भी यहाँ का एक व्यू पॉइंट है, तो टूरिस्ट जब आते हैं तो बोटिंग करने के बाद यहाँ आते हैं, व्यू देखते हैं, थोड़ी बहुत फोटोग्राफी करते हैं और मैंग्रोव फॉरेस्ट को एंजॉय करते हैं। गुड है, आओ नीचे चलते हैं। लंच करने के लिए मैं सुबैया गारू भोजन होटल में पहुंच चुका हूं। इस समय काफ़ी क्राउड है, ऐसा बाहर से देख के समझ में आ रहा है। आज संडे का दिन है, फेस्टिवल टाइम, सेम नाम से यहां पे 3 होटल हैं। तीनों जैसे होता है ना कि पुराने होटल्स में ब्रदर्स अलग अलग चेन होटल खोल लेते हैं, तो तीनों सेम नाम से हैं, 1-2-3 करके। अभी हम 1 में जा रहे हैं, मतलब ओल्डेस्ट जो सबसे पहले सुबैया गारू होटल जहाँ से शुरुआत हुई थी वो ये जगह है, और ये जगह अल्ट्रा फेमस है फॉर वेजिटेरियन मील। आइए अंदर चलते हैं। देखिए 160 रुपीज़ में अगर आप थाली लेते हैं तो आप यहाँ पर बैठ के खाएंगे, 230 रुपीज़ में लेते हैं तो आप अंदर एसी सेक्शन में खाएंगे। तो मैंने अपने लिए ना 230 रुपीज़ का कूपन ले लिया, लेकिन अब सीन ये है कि अभी कम से कम आधा घंटा हमको इंतज़ार करना पड़ेगा, तब तक थोड़ा सा रश कम हो जाएगा। इस समय देख लो कितने लोग हैं यहाँ पर, उफ। तो एक डिफरेंस हो रहा है, मैंने अभी पता लगाया है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स लगभग 14 या 15 रहती हैं, लेकिन अगर एसी सेक्शन में बैठकर खाएं तो लगभग 25 फूड आइटम्स होता है। तो हम थोड़ा आधा घंटा वेट करेंगे फिर लंच करेंगे। गणेश भाई से रिक्वेस्ट कर रही हैं, इनसे मेरी यहाँ मुलाकात हुई, थोड़ी थोड़ी इनको हिंदी आती है, तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि किचन में आप कैसे कुकिंग कर रहे हो वो थोड़ा हमें दिखा दो। 500 लोगों के लिए सांभर बन रहा है, और सांभर का टेक्सचर देखो, गदर। चना दाल का लड्डू बनाया, मीठे के लिए चीनी डाला,
और उसको उड़द दाल के बैटर में फ्राई किया। इसको आप क्या बोलते हैं? बूरी। बूरी हाँ, ये आंध्र फेमस। पूर्णम बूरी। देखो जी, इन्होंने मेरे को पूर्णम बूरी टेस्ट करवा दिया। चीनी, चना दाल, चना दाल मिक्स और उड़द दाल का बैटर और फ्राई। बहुत अच्छे। मैं आपको बता भी नहीं सकता क्या स्वाद है ये पूरा आंध्र प्रदेश में मिलता है। आंध्र फेमस। अच्छा, ये 1000 नंबर की दम बिरयानी। तो सुबह जैसे अभी दोपहर में लोग खा रहे हैं, सुबह मॉर्निंग में कितने बजे कुकिंग स्टार्ट होता है? ओके सर, 2 o'clock रात को। हाँ, 2 o'clock और अच्छा भी सब लोग यहाँ काम कर रहे थे 2 o'clock को। 2 o'clock से इधर कटिंग से चॉपिंग की, चॉपिंग किचन इधर है, दाल मिक्स थे। 6 o'clock कंप्लीट सब्जी बिरयानी सब्जी को कंप्लीट। गणेश भाई हमारे को एक बार डेमोस्ट्रेशन करके बता रहे हैं कि भुट्टा 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 को कैसे तैयार करते हैं। पार्सल है, पार्सल है। एक गरम चावल दे दो। अच्छा, तो एक भुट्टा जब रेडी हो जाता है तो कितना लोग खा सकता है उसमें? किसमें? नंबर ऑफ पीपल। तीन नंबर्स। बीटरूट सब्जी इधर। बैंगन का सब्जी। ब्रिंजल। गंगूरा पिकल। गंगूरा पिकल। ये 3 स्वीट्स है, बिरयानी, लेमन राइस। अच्छा, ये पाउडर। हाँ, मतलब हैरान हो गया हूँ मैं यहाँ पर, ये भुट्टा कैसे तैयार हो रहा है लेयर बाय लेयर। और ये दाल भुट्टा का पार्ट है। हाँ, पार्ट है। सांभर, सब्जी, पाउडर। ओह गॉड, मोल कुटुंबा। अच्छा, डिस्पोजेबल प्लेट के साथ। टमाटर राइस। तो एक काम करते हैं, साथ साथ खाना शुरू करते हैं। टमाटर राइस में ना टमाटर की खटास तो है ही है, साथ में गरम मसालों के बहुत बढ़िया से फ्लेवर्स हैं। दाल सब्जी। हाँ, दाल सब्जी दे दो। दाल सब्जी है। हाँ, ये बीटरूट करी है, बीटरूट फ्राई। भैया ये पनीर करी सर, पनीर करी है। ये पास्ता है, पास्ता करी। ये चटनी, गोंगूरा चटनी। हाँ, गोंगूरा चटनी। ये अवकाई। ये बड़ा स्वाद है। बेसिकली जो आम आम का अचार बनता है ना, उसका फुल फ्लेवर है राइस के साथ। इसका नाम है अवकाई बिरयानी, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो। ये क्या चीज़? मेरा होटल स्पेशल है, पुनगुलु का। पुनगुलु का हमने खाया पहले यहाँ पे, तो उसका करी लवली। ओ, अभी हमें यहाँ पर घूमते हुए हो गया ना टाइम, तो थोड़ा हम भी समझने लगे हैं क्या चीज़ क्या है। मुझे लगता है अब इनको बोलना पड़ेगा और कुछ मत दो, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत कुछ आ चुका है। करी पाउडर, टेस्ट अच्छे। करी पाउडर, करी पत्ता। इसको घी के साथ लेता है ना? ये दाल, गन पाउडर विद राइस, दोनों में घी डाल के तो हो मजा ही आ जाएगा। अभी मैं इसके बाद खाता हूँ वो। पापड़। ये हॉट पोंगल। पोंगल हॉट स्वीट। अच्छा, सॉल्ट सॉल्ट वाला। हॉट सॉल्ट पेपर। सॉल्ट पेपर। इस समय जो मैं यहाँ पे खाना खा रहा हूँ ना, नहीं अभी और मत दो, हैवी हैवी हो गया। इस समय मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता जो खाना मैं खा रहा हूँ, इसका क्या टेस्ट है, क्या फ्लेवर है। एक एक आइटम बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेसिपी यूज करके बनाई गई है यहाँ पे। मुझे लग रहा है
यहाँ पर फूड फिनिश करने के लिए ना आपको पूरा एक घंटा चाहिए, 15-20 मिनट में यहाँ पर आप खाना नहीं खा सकते, एक घंटा फूड फिनिश करने के लिए चाहिए। और लंच का समय आओगे तो आपको आधा घंटा तो वेटिंग करनी पड़ेगी, तो ये 1.5 घंटे का प्रोग्राम है। पोंगल बोले तो खिचड़ी, तो इसमें हल्का सा नमक है और काली मिर्च। सांबर, सांबर हाँ, रसम, रसम मेरे को कटोरी में दे सकते हो? रसम मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। सांबर, सांबर लिटिल बिट, थोड़ा सा इसमें दे दो सांबर। ओ पापड़ अच्छे है, टेस्ट है। रसम का टेक्सचर दिखाओ। ओ लवली, एक पापड़ टेस्ट करते हैं। ये क्या है? कोलकड़म्बा। क्या रायता? रायता टेस्ट अच्छा है। तो ये अलग है, पहले रायता दिया वो अलग। हाँ, चावल में मिक्स डाल दे, तैर काटे और मिक्सिंग डाल देने, टेस्ट अच्छे बहुत ज़्यादा। कितने प्यार से खिलाते हैं, सीरियसली मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिरी बार ऐसा फूड एक्सपीरियंस मेरे को कहाँ मिला था इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी, कितने बार बार आगे आपको पुश करते ये भी खाओ ये भी टेस्ट करो, तो वो था चौकीदानी में राजस्थान। और सिर्फ चैलेंज ये है कि वहाँ मैं हिंदी अच्छे से समझ पा रहा था, डिश के नाम समझ पा रहा था, यहाँ मेरे को अभी भी 60-70% चीज नहीं समझ आ रही कि नाम क्या है। मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नाम मेरे को याद नहीं हो रहा, थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन टेस्ट तो काबिल तारीफ है। ओए होए क्या बताऊँ, गॉड मैं आपको बता नहीं सकता क्या टेस्ट है भैया। मुझे आप थोड़ा सा गन पाउडर, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा और देता। ओ गॉड टेरिफिक, टेरिफिक। पिसी हुई दाल, थोड़ा थोड़ा चिल्ली पाउडर, गजब। सुबैया होटल से हम लंच करके निकल ही रहे थे तो मेरी मुलाकात बालाजी और उनकी वाइफ से हुई है। गणेश भाई से तो हम मतलब मैं पिछले 1-1.5 घंटे से मिल ही रहा हूँ, तो इन्होंने बड़ी हेल्प करी है टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, क्योंकि इनको थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है। द फूड दैट वी हैव हैड हियर आई कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स, सो टेस्टी, सो टेस्टी। जब आप यहाँ पर आए तो कोशिश करिए यू हैव योर लंच एंड ब्रेकफास्ट टुगेदर एट 11:30, क्योंकि आई मीन वन कैन स्किप हिज ब्रेकफास्ट एंड हैव लंच एंड ब्रेकफास्ट टुगेदर एंड 11 इट स्टार्ट, सो वन कैन हैव अ अर्ली मील, क्योंकि यहाँ पर ना दोपहर में 1:00 के बाद पीक रश स्टार्ट हो जाता है। और गणेश भाई एक बार दोबारा आपको थैंक यू सो मच, क्योंकि बिना आपकी एकदम रेडी हेल्प के हम लोग समझ नहीं पाते फूड आइटम्स क्या है, और आपने कुछ मेरे को कोशिश करके थोड़े से तेलुगु नाम याद करवा दिए। बालाजी थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स। काकीनाडा बीच की ओर जा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, तो यहाँ से आधा किलोमीटर डिस्टेंस पे बीच साइड है तो पैदल ही चलते हैं, गाड़ी पीछे पीछे आ जाएगी। चलते चलते सनसेट से पहले समुद्र किनारे तक पहुँच ही गए। ये देख लीजिए, इसको काकीनाडा बीच बोलते हैं। तो हमने सोचा यहाँ से जाने से पहले बीच विजिट भी कर लें। आपको मैं काकीनाडा के बारे में दो चीजें ऐसी बताता हूं जो शायद आपको नहीं पता होंगी। काकीनाडा की एवरेज एलिवेशन अबव सी लेवल सिर्फ 2 मीटर है, सिर्फ 2 मीटर्स, बहुत कम है ना। अब इसका इम्पैक्ट ये होता है जब साइक्लोन आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक अलार्म रेज हो जाता है कि लोगों को एक तरह से खतरा होता है साइक्लोन से। पिछले 200 साल में 2 बड़े साइक्लोन्स आए हैं जिसके अंदर हजारों की तादाद में लोगों की डेथ हुई है। आज मॉर्निंग में हम मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने गए थे, मैंग्रोव फॉरेस्ट का जो रोल है वो है साइक्लोन से शहर को बचाना।
तो मैंग्रोव फॉरेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज, यहाँ पर ना एक होप आइलैंड है, बोट पे कोई जाना चाहे तो जा सकता है, जो आज की डेट में बोट में नहीं लेके जा रहे क्योंकि कुछ परमिट बंद हुआ है, लेकिन आज से 2 साल पहले तक टूरिस्ट होप आइलैंड जाते थे, एज ऑफ टूडे नहीं जा रहे। तो होप आइलैंड क्या हुआ, आज से 100-125 साल पहले जब भी साइक्लोन आया, सुनामी आई, तो उस समय जो सिल्ट थी वो जाके एक आइलैंड में कन्वर्ट हो गई, जिसका नाम होप आइलैंड पड़ गया। होप इस वजह से कि अब एक होप है कि समुद्र की जो बड़ी बड़ी लहरें हैं साइक्लोन के समय, उनके उनके लिए वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है। तो एक होप आइलैंड और दूसरा मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये दोनों काकीनाडा शहर को बचाती हैं सुनामी से, साइक्लोन से। ये मेरे को कुछ मालूम चला तो मैंने आपको बता दिया। 10-15 मिनट यहाँ पर थोड़ा टहलते हैं, उसके बाद हम राजमंदिर को निकलेंगे और आज का नाइट स्टे हमारा वहीं पे रहेगा। हम राजमंदिरी पहुंच चुके हैं, इस समय 9:15 बजे का टाइम है, लगभग आधा घंटा हो गया हमको यहाँ पर पहुंचे हुए। रहने के लिए यहाँ पर हमने एकोमोडेशन ला हॉस्पिन होटल में लिया, डबल ऑक्यूपेंसी में हमको ऑनलाइन टैरिफ पड़ा था 3,400 रुपीज़, लेकिन अभी होटल के साथ थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है, वो लोग बोल रहे हैं कि आपका सिंगल ऑक्यूपेंसी बुक हुआ है और मेरे हिसाब से 2 है और रिसीट में भी 1 ही है, तो अब मैं मेक माई ट्रिप के साथ थोड़ा फ़ोन पर बात करूँगा और अगर सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो मेरे को ये 3,400 + 1,400 कितना हो गया 4,800 रुपीज़ डबल ऑक्यूपेंसी का रूम पड़ेगा, नहीं तो 3,400 तो है ही है, राइट। आज का ये एपिसोड बताइए आपको कैसा लगा। अब हम तीन रात यहीं पे हैं, आज 15 जनवरी है, 15, 16, 17, 18 को सुबह हम डिंडी जाने वाले हैं। मछलीपट्टनम के ऊपर मैं थोड़ा सा डबल माइंड हो रहा हूँ, जाऊँ तो रात को रुकूँ ना रुकूँ वो मैं कल या परसों तक डिसाइड कर लूँगा, उसके बाद हम विजयवाड़ा चले जाएंगे, राइट। आज का ये एपिसोड हमारा यहीं पे एंड हो रहा है, बताइए कमेंट करके बताइए एपिसोड आपको कैसा लगा। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।